वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। गांव नांगल खेड़ी है, यश यहां का बेटा है और गोल्ड मेडल जीत कर आया है और अब नेशनल में जाने वाला है। कुछ नहीं, मेडल जीतने के लिए प्रैक्टिस करी है, सर ने साथ दिया है, दिन रात प्रैक्टिस करी, सुबह भी जाता है शाम को भी, दोनों टाइम प्रैक्टिस करी है। देखिए हमने बहुत खुशी है, जो हम चाहते थे बच्चा उसी उसमें निकला, गांव का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। अब 36वीं हरियाणा स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप थी, उसमें इसने 14-17 एज ग्रुप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जो बच्चे को इस लाइन में डाला, मेरे पिताजी ने और मेरी मम्मी का श्रेय जाता है सर इस पे पूरा। ठीक है, इन्होंने बच्चे को बोला कि भाई तुम जाओ कुछ करो, मेहनत करो, मेरे को भी फोर्स किया कि बच्चे को भेजो स्कूल में, प्रैक्टिस कराओ। गांव नांगल खेड़ी में इस समय खड़े हैं, शिवा के साथ लगता है बिल्कुल गांव नांगल खेड़ी है। यश यहां का बेटा है और गोल्ड मेडल जीत कर आया है और अब नेशनल में जाने वाला है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। पहले बेटे से बात करते हैं, बेटे कितनी खुशी हो रही है? बहुत हो रही है। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करते हो और ये मेडल जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, मेडल जीतने के लिए प्रैक्टिस करी है, सर ने साथ दिया है, दिन रात प्रैक्टिस करी, सुबह भी जाता है शाम को भी, दोनों टाइम प्रैक्टिस करी है। और बस ये क्या प्रतियोगिता हुई थी और कहाँ हुई थी ये? उधर चंडीगढ़ पंचकुला में हुई थी, 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। किस चीज़ की थी ये? इसकी स्केटिंग की थी, स्टेट लेवल की। अच्छा, शुरू से ये सोचा कि खिलाड़ी बनना है? हाँ जी। और क्या क्या मेडल जीत रखे हैं ये? इसमें डिस्ट्रिक्ट के जीते हैं और पहले। अब आगे क्या है? आगे नेशनल खेलना है, अब आगे जाके नेशनल में भी जीतना है। अच्छा, ये बच्चे के दादा मेरे साथ, क्या नाम है आपका? धर्मपाल शर्मा। धर्मपाल जी, आप भी खिलाड़ी रहे हैं क्या अपने टाइम में? नहीं नहीं जी, मैं आर्मी में था जी। अच्छा, आर्मी में, एक ही बात है। जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बच्चे की इस खुशी? बच्चे की हमने बहुत खुशी है, जो हम चाहते थे बच्चा उसी उसमें निकला, गांव का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। अच्छा जी, क्या और क्या उम्मीदें हैं बच्चे से अब नेशनल पे? नेशनल पे भी हमारे को गोल्ड की उम्मीद है। अच्छा, हाँ जी, देश के लिए खेलेगा, देश के लिए खेलेगा। अच्छा, कोच साहब कितनी मेहनत करनी पड़ी इस बच्चे के, मतलब ठीक ठाक है? नहीं, बच्चा पूरी मेहनत करते हैं, सुबह भी क्लास होती है, शाम को भी। और ये जैसे अब 36वीं हरियाणा स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप थी, उसमें इसने 14-17 एज ग्रुप में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब ये 60th नेशनल चैंपियनशिप जो कि बेंगलोर में है 11-22 दिसंबर, उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेगा। अच्छा, तो बहुत खुशी है। आपके सिखाया हुआ एक ही बच्चा आगे है कि? 6 बच्चे टोटल पानीपत सेलेक्ट हुए नेशनल के लिए, 37 बच्चे गए थे हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप के लिए, उसमें से 6 बच्चे नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 14 मेडल आए हैं पानीपत टीम के। अच्छा, आपको भी श्रेय जाता पूरा है? बच्चों को है, हम तो मेहनत करवाते हैं, बच्चे करते हैं तो आ जाते हैं। अच्छा जी, गोल्ड पक्का फिर नेशनल में उम्मीद रखें? पूरी उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है। अच्छा, आप तो खिलाड़ी नहीं है, आप तो मेरे जैसा पेट निकल रहा जी। मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। हाँ जी सर, ये बच्चों को इस लाइन में डालने की क्या सोची? जो बच्चे को इस लाइन में डाला, मेरे पिताजी ने और मेरी मम्मी का श्रेय जाता है सर इस पे पूरा। ठीक है, इन्होंने बच्चे को बोला कि भाई तुम जाओ कुछ करो, मेहनत करो, मेरे को भी फोर्स किया कि बच्चे को भेजो स्कूल में, प्रैक्टिस कराओ। हमने DPS में इसका एडमिशन कराया सर, सिर्फ ये अकेला बच्चा है जो DPS में, इसके लिए स्कूल भी सपोर्ट कर रहा है और स्कूल ने भी इसके लिए अकेले बच्चे के लिए पूरा ग्राउंड रेडी करके दिया है। वहाँ भी इसके कोच हैं जो इसको दिन में वहाँ प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं। और सर ये पिछले 4-5 साल से पार्टिसिपेट कर रहा है इन चीज़ों में, और अभी सर इस महीने में इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल के 2 गोल्ड 2 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, और अब ये चंडीगढ़ जाके गोल्ड लेके आया है सर। अच्छा, मतलब खिलाड़ियों का आगे ठीक है ऑप्शन, इसलिए खिलाड़ी ये चुने हैं सर? बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट था हमने बस उसको सपोर्ट किया है, मेहनत तो फिर बच्चा कर रहा है सर। कादियान साहब, आपने भी स्वागत किया है, करण सिंह कादियान ये कांग्रेसी नेता है,
विधायक बनते तो देखेंगे आपको, लेकिन अब एक बच्चा आपका गोल्ड मेडल लेके आए। पहले ऐसे अजय हमारा जो पंडित जी परिवार है गांव नांगलखेड़ी से, सबसे पहले इनको बधाई देता हूँ जिन्होंने बच्चे का पालन पोषण करा और इनको आगे बढ़ाया और हमारे गाँव का नाम रोशन किया। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि लड़का आगे भी जो टूर्नामेंट होगी उसके अंदर गोल्ड मेडल लाए। बाकी ये है कि गांव का बड़ा सहयोग रहा होगा इसके साथ, आज भी सहयोग है, सारे गांव के साथी आए हुए हैं और हम यही कामना करते हैं कि आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। आप चाचा हैं, आप भी मेरे जैसे ही निकले? बिल्कुल सर, दुकानदार हूँ सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मोबाइल्स का काम है सर, बस स्टैंड बैठता हूँ सर। ये नांगलखेड़ी में? नहीं 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 सर, पानीपत बस स्टैंड बैठता हूँ। हाँ जी सर। भतीजा फिर ठीक निकल गया? बिल्कुल सर, उम्मीदों पे खरा उतरा है सर, बाकी उम्मीदें अभी भी बहुत हैं। नेशनल खेलेगा, गोल्ड लाएगा, मेहनत करेगा। गाँव आपके बच्चे भी इसी लाइन में सोचे हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ तो सर, गेम्स में लाएंगे सर। आइए सरपंच साहब, आप भी आ जाइए। ये नया सरपंच बड़ा भी इससे बात करते, क्या नाम आपका? संदीप जी। संदीप भाई, बच्चे अब आपके पहले भी हैं यहाँ पे खिलाड़ी बच्चे हैं, पंचायत की तरफ से क्या प्रोत्साहन रहेगा बच्चों के? जहाँ तक मेरा है, मैं पंचायत की तरफ से इनको बहुत बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा करूँगा और पूरा सहयोग के साथ रहूँगा इनके साथ। और बच्चों के लिए भी कुछ आगे सोचा प्लान, जो वादे करे थे सच्चे झूठे? नहीं, सच्चे किए हैं, जो भी वादे किए हैं उन पे पूरा खरा उतरूंगा, यही मेरी उम्मीद है सभी बच्चों से। नहीं, खिलाड़ियों के लिए कुछ स्टेडियम स्टेडियम है अपने यहाँ? नहीं, स्टेडियम नहीं है, कोशिश है उसकी। अच्छा, कोशिश करेगा। आज किस तरह स्वागत किया बच्चे का? नहीं, तहे दिल से स्वागत है, मैं यही उम्मीद करता हूँ ये आगे भी इसी तरह बढ़ता रहे। आप शर्मा के बोले, भी राजनीति सीखी नहीं? नहीं नहीं, अभी सीखी नहीं, अभी सीख जाऊंगा धीरे। करण सिंह कादियान के पैर छू लो आप? ये तो ये सिखाएंगे आपको राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आप आए और हमारे गांव में आकर हमारा मान बढ़ाया, धन्यवाद आप। चलिए, ये गांव का बेटा था और अभी मेडल जीता है, उम्मीद करते हैं कि नेशनल में भी जाए और पानीपत को एक गोल्ड मिले। और छोटा सा गांव है ये नांगलखेड़ी, वहां का ये बच्चा निकल कर आया है। पूरे हरियाणा में इस समय खिलाड़ी कितना बढ़िया टैलेंट लेकर आ रहे हैं वो आप लोगों को पता ही है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।